अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वो देखिए मिस्टर अजलान भी तैयार हो गए। आज इनको मैंने बोला आज आप आराम से तैयार हुई हो, यहाँ पे आगे तो ये बिल्कुल पठानों वाला लुक दे रहे, यही छोड़ के चले जाते इनको। पख्तून, खैबर पख्तून गाँव में। खैर अभी तो कायम हमजा में तो ना क्या कहते, इतना खूबसूरत मौसम, रात भर होती रही बारिश, अभी भी देखें गीला हो रहा है सब। सुबह तक होती रही 6 बजे तक। एक वक्त तो ऐसा आया अरसलान डर के उठ गया, इतनी तेज बारिश हो रही थी, है ना। डर क्यों रही है तुम? हाँ सो रहा है ना, हमने बोला क्या हो गया। क्या डर नहीं, शोर था कि बोला पंखा इतना तेज हो गया, क्या हो गया। खैर तो ना क्या कहते हैं, नाश्ते के लिए हम लोग जा रहे हैं नीचे, नीचे जा रहे हैं ऊपर ऊपर जा रहे हैं। अच्छा नीचे कौन सा हाँ, नाश्ता है? नीचे तो हम लोग सॉरी यार, फ्लो फ्लो में हो जाती है ना हल्दियाँ। खैर ऊपर जा रहे हैं हम नाश्ते के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ये नीचे का एरिया तो सारा कवर कर लिया था, ऊपर का मैंने सरसरी सा दिखाया था, हम पिक्चर्स भी बनाए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यू ब्लॉग को, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अरसलान बड़े हैरान ही थे देखते हैं जब मैं ये बातें करती हूँ। खैर तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का तीसरा ब्लॉग फॉर दिस, तीसरा ब्लॉग है चौथा है, हाँ चौथा ब्लॉग। तो यहाँ से स्टार्ट, वाह ठंडा ठंडा नाश्ता हो गया और ठंडे ठंडे मौसम में बाहर आ गए, बूंदी की नींबे से शुरू हो गई। चलो जी बारिश बारिश, फिर आज की जो है जर्नी वो गाड़ी में बैठते हैं, बताते हैं। खूबसूरती खत्म है इन पहाड़ों पे, पहाड़ों पे कोई कुछ भी लिख सकता है, किसी की कोई कोई भी मोहब्बत हो सकती है, समझ आई। लोग अपने मोहब्बत का नाम लिखते, अब आपने बोला है तो उसको ऐसे संभालूंगी मैं। आप हमें यही दिखाने लाए क्या है ये, अब आप बताएं क्या है। इतना खूबसूरत पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर बादल बादल है, बर्फ है, भी आगे चले। हाँ तो लेकिन इतनी खूबसूरती है, इसको कैद करना चाहिए ना कैमरे की, इसका व्यू जो है ना अभी पास से दिखाना है। हाँ लेकिन ओके, लेकिन मैंने अभी इसको भी कैद कर लिया पास से। इतना खूबसूरत लग रहा है, देखो ये शायद कैमरे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर रहा कुछ। बॉर्डर के लिए अरसलान गए अपनी एंट्री कराने, हम जा रहे हैं चाइना के बॉर्डर, ठीक है। यहाँ 2-3 महीना रुके हैं, लेकिन ये साइड में मुझे जंगल लग रहा है, देखें हॉर्सेस बोट को भी पढ़ा मैंने, पर हंटिंग इज नॉट अलाउड, तो ऐसा है कि अभी वापस आ जाते हैं तो फिर अरसलान से बात करते हैं। आप कहाँ गए थे वैसे? एंट्री कराने गए चेक पोस्ट, ये KNP क्या है, कुंजराब नेशनल पार्क है वैसे तो ये, कुंजराब नेशनल पार्क। हाँ हंटिंग इज नॉट अलाउड इन कुंजराब नेशनल पार्क। और वो बना हुआ है ना ब्रिज, बना हुआ है ना। हाँ यार रुक गए अभी थोड़ी देर, रुके क्यों हैं वैसे? एंट्री करवा के उनको 900 रुपए दिए हैं, बोले आगे जाने के 200 रुपए। वाह क्या बात है, वैसे कौन है, पाकिस्तानी है? हाँ पाकिस्तान। अच्छा ये अभी कितनी दूर है चाइना बॉर्डर? 52 किलोमीटर। ओके ओके मिस्टर अस्लान, वो देखो चाइना पापी, चाइना चाइना पापी चूलो। तो पैसे देके भी नहीं आऊं वो इधर का पहाड़ देख के मैं बोर हो गई हूँ। जहाँ हम चाइना रहे, जहाँ पे लोग गोरे गोरे लोग रहते हैं, जानी चाइना जा रहे हैं हम, लेकिन काले काले पहाड़ों को देख खाने जा रही है। चूहे चूहे नहीं खाते हैं, बहुत शौक से वो लोग क्या खाते, मेंढक 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 मंदी।
मैंने एक मंदिर कह दो वो कितना काल है ये पत्थर जो है ये कहते हैं कि यहाँ से जमा करके लेके जाता है ये बड़ा काम को पत्थर है ये पत्थर ना स्टील मिल में आ जाता मामू इनको देख के ना यानी वो याद आ गया जब सड़क बनती तो वो काले काले पत्थर डलते ना हैं वैसे पत्थर याद आ गए इनको देख के पूरे रास्ते ना ऐसे ही काले काले पहाड़ है पूरे रास्ते बर्फीले पहाड़ी झरना गिर रहा है कितने कितने कोने भी चिट गया मेरे ब्लॉग के लिए कुछ बोली है क्या बोलूं मुझे तो सांस हाथ भी ठंडे हो रहे इतने से क्रेजी यू नो आए थे हम के और ये हमारे रीच बन गए भालू बर्फ वाले रीच बन गए बर्फ वाले भालू मेरे के ठंडा यार इतनी सर्दी है पानी क्यों नहीं जमा तो बर्फ जमी हुई सब जगह बर्फबारी हुई तो है हाँ वो देखो जानवर है कौन हाँ थोड़ा सा देखिए आप वैसे तो देखिए हमारे मिस्टर इस्लाम का कारनामा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मुझे थे आइडिया तो For 10 minutes. Yeah. आईडिया तो आपने दिया ना मामू को हौसला दिया जाए बात करें बकअप किया आपने और मुझे गाड़ी की चादर मिल गई अब मैं पहुंच गई हूँ मैं उतर गई हूँ एक मिनट 10 मिनट के लिए ना मुझे गाड़ी की चादर मिल गई I'm so lucky. ये ना ये कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं आप वैसे चले 10 मिनट के बाद हम यहाँ मेरी खींचना ये देखिए पैदल पैदल गिरी में हम भी पैदल ही आए थोड़ी सी दूरी गाड़ी मिली हमें हमें मिली थी वो तो और अगर हो गए तो या बर्फबारी होगी क्या कहते हैं 10 मिनट की इजाजत मिली हमें गाड़ी की क्योंकि बहुत दूर गाड़ियाँ नजर आ रही है ना वहाँ खड़ी होती है वहाँ से पैदल आते हैं लेकिन हमें इस प्लेस से 10 मिनट की इजाजत मिली इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है बाहर बात करने की बाद में करेंगे ठीक है यार ब्लॉगर व्हाट्स योर नेम बाय द वे मियाओ मियाओ फ्रॉम थाईलैंड ओके यू आर थाई फ्रॉम थाईलैंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान पाकिस्तान वेलकम टू पाकिस्तान अच्छा ओके सलाम दिस इज माय फ्रेंड ओके हेलो हाउ आर यू आह नाइस टू मीट यू ए व्हाट्स योर चैनल नेम बाय द वे What's your channel name? Are you uploading on YouTube? No, actually, I use just TikTok. Okay. And okay. 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 Nice to meet you. How about your channel? Thank you, same. Yeah, my name is Sabah. Thank you. Thank you. See you. What's your channel? Sabah Aslan. Sabah Aslan Khan. SAP. I don't have pen. You have mobile? कैसे लगा आपको सुस्त बाजार लोग सुस्त नहीं है बाजार का नाम सुस्त आज मुझे हमारी गाड़ी आ गई अब आइए हमारी गाड़ी बिना पंखे के घर बाहर से पहाड़ आ रहे
लेकिन पूरा कितनी लकड़ी का मेहनत बना की है है। वह माशाल्लाह से खूबसूरत। अलग अलग बैठक उन्होंने भी बताया, वाह, फलानी जगह कौन बैठता है, फलानी जगह कौन बैठता है ना, इबादत वाले, मैयत वाले, अफसोस हाँ, वाले, शादी वाह वाले, नाचने वाले, वो गोल नीचे गड्ढा बना हुआ ना वहाँ पे नाचते ये हैं। क्या बहुत बड़ा सा बैठक बनी हुई है, जब खड़े होंगे ना तब बनाएंगे। लेकिन मिस्टर अरसलान किसी चौधरी बन के बैठे वैसे भी इनको ये बैठक बड़ी पसंद है। ये नीदा जो है ना, क्या है सूखी, क्या है वो खुबानी है ना, ये तो खुबानी है, बादाम है, बादाम भी उसका होता है, क्या कहते हैं खुबानी का ही, खुबानी भी बादाम होता है, खुबानी भी आएगा, खुबानी भी खा लेंगे। अरे हमारे इलाके में ना पहले गिलगित्ती बल्टी बहुत होते थे, तो वो जब आते थे ना घर से वापस जाते थे तो सबको मिलता था ये, बड़े दिनों बाद देखा भी नहीं है, ये मुझे बड़ा मजे से लगता है। तूने सुबह खाई थी ना, अब ये इसका टेस्ट अलग, ये आपने घर में सुखाया सर, ये घर में सुखा, इसका टेस्ट अलग होता है। दूध का टेस्ट, घर का दूध पूरी हो गई, इसको ना टेन ही पकड़ा दे, ये खुद तोड़ लेगा हाथ से, इसकी ख्वाहिश है ये अपने हाथ से तोड़े, इसकी ख्वाहिश थी ना पूरे रास्ते बोल रही थी कुछ तोड़ू कुछ तोड़ू, भाई ख्वाहिश तुम्हारी थी, एक ख्वाहिश तो इसकी थी, चलो भैया जो इसको कच्चे कच्चे अखरोट मिल गए, इसको कच्चे अखरोट चाहिए था, अच्छा अच्छा बस ये काफी टाइम से लगी हुई थी, इसको मिल गए, खुद तोड़ने देना, इतना खूबसूरत इनका घर क्या कहते, सारे दरख्ते देखो, ये देखो सेब भी लगे हुए, ये सेब है अखरोट है ये भी, और ये सेब है, ये सेब है, ये खुबानी है, वो चेरी है, डिफरेंट पौधा रख लगे हुए अपने घर के आगे, सब कुछ ही है, मधे का घर था, खूबसूरत था, खूबसूरत था ये ना, इसको ढूंढते हुए बड़ी दूर से आ रहे हैं। इसको ढूंढते इसका पर पाकिस्तान, मुझे कहते कौन वेली जाने, कौन वेली जाने, रास्ते भर में ही मैं देखती रही, खूबसूरत, अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करती थी, तो बताना तो था, तो बताना था ना, ये मेरे कान फिर सुन रहे हैं, पशु कौन, तो समझ लो ना ये वही है, कौन मेली, अच्छा तुम यहाँ खड़ी, अब मैं देख के पता क्या बोली थी, मैं अल्लाह तेरा शुक्र, तेरे तेरी अच्छी कुदरत दिखाने में ना मेरा नाम लिखा हुआ देखी थी अपनी आंखों से, और शुक्र अदा कर रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी सुबह, तो ये अभी भी लग रही है, तुम्हारी तस्वीरें खींचू यहाँ पे, हाँ खूबसूरत सा व्यू, ये सारे सेब के बाग, सेब के दरख्त, वो बैठी इंदा, वो यॉर्क ग्रिल का आउटलेट, तेरे भाई बड़ा रश होता है इधर, दो दो घंटे की वेटिंग होती है क्योंकि बड़े लोग आते हैं यहाँ पे ना, तो हम भी आ गए, चाहते होंगे क्योंकि हम भी आए ना, तो अभी जब आ जाएगा ना फिर आपको दिखाएंगे यॉर्क बर्गर, यॉर्क स्टेक, बड़ा ढूंढते हुए आया हम इसको, और इसकी वजह से आज खाना भी लेट हो गया, मैं यहाँ क्यों बैठी हुई थी जी सर, यॉर्क बर्गर, यॉर्क बर्गर, यॉर्क बर्गर, और बर्गर खाने वाले इतना सा बर्गर ही जा रही है, क्या सा टेस्ट है, एक टेस्ट आ रहा है, कैसा, 15 मिनट तक सेम सही है, गोश्त ही तरह यॉक बर्गर, यॉक वैसे ना, यहाँ देखिए फॉरनर्स आते हैं, वो बैठे अंदर, मैं दिखा रही हूँ, जूम नहीं कर रही इसलिए, बस सिर्फ दिखा रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के लोग आते हैं, मुझे ये जानना है इन्होंने फेमस कैसे किया इस पहाड़ों के बीच में, इस जगह को स्ट्रेटेजी बताओ, फर्स्ट टाइम अरसलान ट्राइड यॉर्क स्टेक,
मटन स्टेक और क्या कहते हैं, बहुत तरीके के स्टेक खा चुके हैं। मैं व्लॉग भी तो बनाऊंगी ना भाई, इतने ढूंढ ढूंढ के हम आए और मैं अरसलान को फोकस कर रही हूँ, इतना ढूंढ ढूंढ के अरसलान लेकर आए। अच्छा मैं यहाँ हो चली गई मक्खी, अरसलान को इनका प्लेटर जाने, इनके जो प्लेट है वो देखे, पहाड़ों की वजह से बहुत तेज हो रहा है। ये देखे योग स्टेक खा के कैसे लगा अच्छा जब ये ऑर्डर दे रहे थे ना उस वक्त उस टेम्पो का गुलाब खा नहीं सकते, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ना तो आप स्टेक नहीं खाया परवल ले ले, क्योंकि स्टेक जो है ना वो थोड़ा मतलब कच्चा पक्का होता है और हमारा मीडियम ही, वो फुल नहीं बना रहा था, ऐसा ही ना हमारा मीडियम ही आखिर है, तो वो इतना जूसी था, मतलब जूसी क्या 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 बोलेंगे आप उसको, हाँ मंगोल याद दिला दी उन्होंने आज मुझे, जैसे ये कहा भाई मैं नहीं खा सकती थी, मैं उसको बोल कर आया, मेरा इतना मूड हो रहा था खाने का इनको देख के, जैसे ये मजे ले लेके खा रहे थे, स्टेक जो है ना बोले तो मैंने ना खा लिया। हाँ मुझे स्टेक बड़ा मतलब मैं बहुत शौक से खाती हूँ, लैम स्टेक भी खाया है, मटन स्टेक भी खाया है, चिकन स्टेक मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता, बीफ स्टेक भी खाया है ना जानी, योग स्टेक रह गया, चलो नेक्स्ट टाइम इन्होंने खा लिया। बर्गर अच्छा था बहुत, उसका जो गोश्त का टेस्ट था ना, ओह माय गॉड बड़ा जूसी बड़ा मजेदार सा था, और अच्छा खूबसूरत बना था यार, और इतनी खूबसूरत सी लोकेशन पे बना हुआ था वो, पासुकोन से पीछे नजर आ रही थी तो इन्होंने अब बताया मुझे कि वो पासुकोन से होती है, उसी को देखने के लिए हम निकले थे, मैं सुबह से बोल रही हूँ देखने के लिए तो रास्ते में पड़ता है, अब वही हम गए तो चाइना बॉर्डर था, लेकिन वो भी खूबसूरती का एक मंजर, घर बहुत अच्छे बनाए खूबसूरत, होटल पे जाके मिलते हैं। पहुंच गए अपने रूम पे, मुझे नहीं दिखाना नहीं आपको उससे मुझे कुछ और याद आ गया, नागा पर्वत कह रहा हूँ घर बोल लियो, अरे आज मैं पता नहीं क्यों बार बार यही बोली, रूम में आ गए रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ही ऊंचाई, कितनी ऊंचाई थी, 16,200 की बुलंदी सफर तय कर कर आई है मिस्टर एंड मिसेस अरसलान, तो मैं सोच रही हूँ अभी ब्लॉग को ना यहीं पे ऐड कर लूँ, क्योंकि आज हमने क्या देखा, चाइना बॉर्डर देखा, आज हमने एक ताजिकिस्तानी फैमिली का घर में मेहमान नवाजी भी देखी उनकी, और फिर उसके बाद हम कहाँ गए, हाँ योक ग्रिल द योक ग्रिल गए, उसके बाद वापस अब आ गए, अब कल सुबह मिलेंगे, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, तो एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।